अब ये जो सूत्र आ रहा है आपका 15वां चलेगा ना, यह सूत्र संस्कृत वाले टीका में नहीं है, उसमें नहीं है। विसर्ग स्वाभाव्याद अभ्यस्थित है तत्स्थिति, इसलिए उस ग्रंथ में हमने बताया था ना 79 सूत्र, इसमें 77 है, क्योंकि पहले वाले प्रकरण में एक सूत्र उसने दो बना दी थी और यहाँ एक बढ़ा दिया, दो बढ़ गया, इसीलिए इनके यहाँ दो घट गया, यहाँ 79 है हिंदी वाले में सूत्र, इसीलिए संस्कृत में 77 सूत्र है, कि दो घट गया, इधर एक बढ़ा उधर एक को दो कर लिया थे इन्होंने, उन्होंने एक ही कर सूत्र रखा हुआ था इस चीज़ को, इस वजह से ये अंतर ध्यान में रखना है। संस्कृत वाले में 77 और यहाँ 79। अब शंका होती है कि दूसरे के अंतकरण में प्रवेश करने पर योगी उस अंतकरण के शरीर के धर्मों से उपहत होता है या नहीं होता है। दूसरे के अंतकरण में प्रवेश करने पर योगी उस अंतकरण के शरीर के और धर्मों से उपहत होता है या नहीं, प्रश्न उठा। अपने का सर्वव्यापक हो जाएगा, अपने मर्जी से किसी भी शरीर में जा सकता है, किसी अंतकरण मात्र भी प्रवेश कर सकता है। विचार ये उठ रहा है कि उस अंतकरण में चला जाऊं, उस अंतकरण का जो भी गुण दोष है उससे इसको भी परेशानी होगी क्या, उसके शरीर में जो बीमारी आ रही है उससे भी इसको तकलीफ होगा क्या, और उसके अंदर जो कुछ भी अन्य स्वभाव है वो सब उस पर असर करता है या नहीं करता है, कैसे वह अकाल कलित रहता है। यदि आप कहते हो कोई असर नहीं करता है, फिर प्रश्न उठेगा कैसे ऐसे हो सकता है भाई, काल ग्रास बने हुए शरीरों में विद्यमान रूप काल से रहित हो गया, अकाल से कलित हो गया, तो ये कैसे हो सकता है। इस पर कालारी काला के भी अधिकाल महाकाल परमेश्वर कहते हैं विसर्ग स्वाभाव्याद अभ्यस्थित है तस्थिति ही, ये सूत्र है। विसर्ग ने विशेषेण सृजती थी विसर्ग सृष्टि, यह परमेश्वर का स्वभाव है स्वाभाव्यात, इसलिए अपनी स्वतंत्र शक्ति से वह स्वयं को जगत रूप में आभासित कर रहा है, इसलिए जगत की स्थिति प्रकाश रूप शिव से बाहर नहीं है, अभिस्थिते है। जो जगत की स्थिति है वह प्रकाश रूपा ब्रह्म आत्मा परम शिव से अलग नहीं है, उसे बाहर नहीं है, उसके अंदर ही कल्पित है वो, अर्थात बाहर नहीं कहते उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता अलग नहीं है। अतः शिव शक्ति आवेश से जो शिव शक्ति आवेश आपन्न योगी है उसे कहीं भी रहता हुआ किसी भी शरीर में रहे, किसी भी योनि में जाए, किसी भी अंतकरण किसी भी धर्म से युक्त हो जाए, तो भी शिव शिव योगी स्वस्वभाव को अकाल पद है, जो अकाल पद है उसी में स्थित रहता है। तत्स्थिति तत्मने तस्मिन्नेव स्थिति, तस्मिन्ने वह अपने जो परमेश्वर भाव है शिव योगी का, अपना जो स्वस्वभाव है परमेश्वर भाव है अकाल भाव है सर्व माया रहित भाव है, उसी में वह स्थित रहता है। अतः वह काल कलनांतर्गत अंतकरणों अथवा शरीरों के धर्मों से उपहत नहीं होता है। अतः काल क्रिया के अंतर्गत जो अंतकरण है और उनके शरीरों के धर्मों से वह बिल्कुल संबंध नहीं रहता है, उससे उसका कोई हानि किसी प्रकार का क्लेश दुख आदि प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है उसको और विस्तार में समझा रहे हैं। इच्छा से लेकर धरणी पर्यंत, पहले इच्छा हुई ना सो अकाम, एको अहम बहुश्याम, एक अद्वितीय था वह मैं एक अनेक हूँ इच्छा हूँ, उस इच्छा से लेकर शुरुआत बढ़ते गया पृथ्वी तत्व पर्यंत बढ़ा, धरणी पर्यंत समूचे सृष्टि है वह सच्चित से ही हुई है, सच्चिदानंद रूप आत्मा से ही उत्पन्न हुई है। अतः समूचे सृष्टि इसी सच्चित के अंदर में ही स्थित है, बाहर में इसी स्थिति नहीं है।
इसी वजह से संपूर्ण सृष्टि की जो स्थिति है वह सच्चित के भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है, सच्चित के बाहर नहीं। अतः उस शिव योगी की स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश चित ज्योति रूप सहज सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व रूपा शक्ति अप्रतिहत रहती है। और वो जो शिव योगी है वो किशोर को प्राप्त कर चुका है, परमेश्वर भाव को प्राप्त किया है, अतः वह स्वतः सिद्ध है, वह स्वयं प्रकाश है और चित ज्योति रूप सहज सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व शक्ति आदि उसका जो भी होगा वह किसी भी उपाधि से प्रतिहत नहीं होता। जैसे छांदोग्य में कहा सदैव स्वमिदम् अग्रासीत् आत्मवा इदम् अग्रासीत्, इस वचन से सद विवर्तन सर्व जगत सत्ता मात्र, चित विवर्तन सर्व जगत प्रकाश मात्र और आनंद विवर्तन सर्व जगत प्रियता मात्र रूप से भाषित होता है। एवं इसलिए सारा जगत सच्चिदानंद का ही विवर्त ही है। तीन का विवर्त तीनों प्रकार बता दिया। देखिए बहुत सुंदर वेदांत क्या ले रहे हैं, इन वचनों से क्या सिद्ध हो रहा है, सत्य का विवर्तन क्या है, संपूर्ण जगत में सत्तात्व भाषित हो रहा है। और चित्त का विवर्तन कैसे भाषित हो रहा है जगत में, प्रकाश रूप से भाषित हो रहा है। और आनंद का विवर्तन कैसे भाषित हो रहा है जगत में, प्रियतर पे भाषित अस्थि भाति प्रियम रूप। इस प्रकार से सच्चिदान विवर्त ही अशेष विश्व स्वांग कल्प होने से, जैसा आपके शरीर का अलग अलग अवयव है आपसे भिन्न नहीं, आपके अधीन कर्तृत्व भोक्तृत्व के अधीन है, इसी प्रकार से सारा ब्रह्मांड ही उसका स्वांग कल्प हो गया, स्वांग सदृश हो गया है। इस शिव योगी के अधीन सारा विश्व होने से वे उपाधियां उसे किसी प्रकार से त्रास नहीं दे सकते। अतः सर्वत्र समवस्थित जितने प्रकाश हैं उनमें प्रकाशक आत्मा से अभेद भावना की दृढ़ता से, क्योंकि जितनी भी उपाधियां हैं सर्वत्र समवस्थित उन सभी में जितने प्रकाश हैं, हाँ, उन सभी प्रकाशियों में क्या है आत्मा का स्वरूप, प्रकाश रूपता है। प्रकाश आत्मा का जो आत्मा से अभेद भावना कर लिया इस शिव योगी ने, और सभेद भावना थोड़ी देर के नहीं उसके अत्यंत दृढ़ अभ्यास कर लिया, भावना की दृढ़ता से योगी अकाल पद पर समासीन रहता है, काल आदि रहित पद पर वो समासीन है। इसलिए अतः वह कभी भी काम और काल के भेद में नहीं आता, इसे काम काल आदि भेद के अंतर्गत तो नहीं होने से इन उपाधियों से वह कभी दूषित नहीं होता, क्योंकि सारे चीज को अपने अंदर देख रहा है, अपने से बाहर नहीं देख रहा। इसी आगम के आधार पर तो श्लोक विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुदेव प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयन् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। स्पष्टतः पश्यन आत्मनि माया, पश्यन आत्मनि माया बहिरीव भाषित हो रहा है, वास्तव में बहिर कुछ भी स्थिति नहीं है। जैसे निद्रा रूपी दोष के कारण से स्वप्न बाहर के समान भाषित होता है, माया रूपी दोष के कारण से आत्मा में कल्पित वस्तु बाहर के समान भाषित होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से दर्पण में दिखाई देता हुआ विश्व के समान, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण दृश्यमान नगरी के तुल्य विश्वम भवती, उसी प्रकार है जिस प्रकार से निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि, हाँ, अपने आत्मा में अपने भीतर में निज आत्मा में देखा जा रहा है माया से। जो व्यक्ति ऐसे साक्षात्कार कर लेता है उसे ज्ञान काल में स्वात्मा में अद्वैन प्रबोध समय पूर्ण जागृत अवस्था में जो अपने आत्मा के अद्वैत भाव के साक्षात कर लेता है वह स्वयं क्या है, साक्षात गुरु ही है, वो गुरु मूर्ति है, दक्षिणा मूर्ति है, उनको नमस्कार। तात्पर्य यह है कि विसृक्षा मन विसर्ग सृष्टि करने की इच्छा परमेश्वर का स्वभाव, सृजन करने की इच्छा
परमेश्वर में स्वभाव मानना पड़े तो कहाँ से आ गया, अचानक कैसे हो गया, ऐसे बोलने लगेंगे ना लोग। इसे जिनको जगत धारण को कहना पड़ेगा परमेश्वर की यह स्वातंत्र इच्छा शक्ति है, स्वकाम सृजयति एकम बहुश्यामिति इत्यादि श्रुतियों के अनेक श्रुतियां हैं के अनुसार वह स्वयं बहु हो जाता है, स्वयं ही अनेक रूपेण भाषित होता है। अर्थात आधारभूत प्रेम में सृज वस्तु समूहों को सम्मिलित करता है, उनका धारण पोषण विकास विस्तार करता है विभिन्न विचित्र रूपों में। अर्थात जो आत्मा है वो आधारभूत अपने में क्या कर रहा है, सृज्यमान सकल ब्रह्मांड को सम्यक प्रकार से प्रकाशित कर देता है, उनको धारण करता है, उनका पोषण कर रहा है, इस जगत का विकास कर रहा है, जगत विस्तार भी करता है और विभिन्न विचित्र रूपों में कर रहा है। परंतु उन्हें एकम बहुश्याम इस संकल्प के अनुसार अपने से अपृथक रूप में ही देखता है, लेकिन जगत बना तो दिया लेकिन मोहग्रस्त नहीं होता कभी आत्मा, ये तो जीव की कल्पना है, वो हमें कहना पर जीव भी इसलिए कल्पित, जीव की भावना एक कल्पित भावना है जीव भावना। परंतु ने एक हम बोश्याम इस संकल्प के अनुसार मैं एक जो हूं मैं बहुत हो जाऊं ऐसा जो संकल्प के अनुसार वो अपने से अपृथक रूप में ही देखता है कि न इस जगत में, अतः स्वात्म विस्मृति को नहीं प्राप्त होता है ना, वह आत्मा की विस्मृति को प्राप्त नहीं होगा, और जो आत्मा विस्मृति प्राप्त हो गया वो जीव भाव पशु भाव में आ जाएगा। यहां तक कि माया भूमि में भी वेद्य का जो प्रकाशन है वह वस्तुतः पर प्रकाश से अविनापूत होने के कारण चित्र पर प्रकाश के अंतस्थित रहता हुआ ही उसकी स्वातंत्र शक्ति से बहिस्फुरित होता है, आगे ना उसकी स्वातंत्र शक्ति से ही भीतर होता हुआ को हम बाहर देखते हैं। माया भूमि में भी जो वेद्य रूपेण प्रकाशन है वह वस्तुतः पर प्रकाश होता ब्रह्म से अविनाभूत है, उसे अलग नहीं है, उसकी स्वातंत्र शक्ति के वजह से वह चित्र प्रकाश के अंतस्थित रहता हुआ भी क्या हो गया, बहिस्फुरित होने लगता है। इसलिए अपने वास्तविक स्व प्रकाश चित्र रूप से अविच्युत जो अधिकारी है, जो अपने वास्तविक सच्चिद्रूपता सच्चिदात्म भाव उससे अविच्युत है, उस रूप से स्मृति होकर च्युत नहीं हुआ ऐसा जो अधिकारी शिव योगी ज्ञानी पुरुष लोग है वह माइक प्राकृत धर्म धर्म भाव से कदाचित भी उपहित अथवा आक्रांत नहीं होता है, माया या प्रकृति से निष्पादित यह जो धर्म धर्म भाव रूपा जगत है इसे कदाचित भी उपाधियों से उपहित होकर के परिच्छिन्न भाव को अप्राप्त नहीं होते अथवा इन दोषों से दूषित होकर आक्रांत भी नहीं होते हैं। अतः यह शिव योगी जो परेश्वर भाव को प्राप्त हो गया सकल शरीरों में प्रवेश कर जाए तो भी, किसी एक शरीर में प्रवेश हो जाए तो भी, जैसा भी वो चाहें तो भी वह किसी संबंध को प्राप्त नहीं होता। ना भगवान महेश्वर गुरुओं की भी गुरु पार्वती रमण इस अकाल पद प्राप्ति के लिए जो हेतु है उसे कहते हैं। अब प्रश्न उठता है ऐसे अकाल पद परम पद विष्णु परमम पदम जो कहा गया ने उपनिषदों में श्रुतियों में स्मृतियों में, ऐसे उस परम पद की प्राप्ति का साधन क्या है, क्या साधन, सबसे सरल साधन बताओ। बीजावधानम, बीज को पकड़ो, बीज क्या है, ओम, ओम को ध्यान करो, ओम का मनन करो, ओम का जप करो, ओम का चिंतन, ओम ही ओम बस और कुछ नहीं, सदैव ओम सबके साथ, ओम सब क्रिया कलाप हर व्यवहार हर चीज में ओम के साथ व्यवहार। बीजावधान, बीज मने विश्व का जो कारण है, स्वरजात्मा जो ओम है वो बीज है, उसका अवधान करना मैंने भूयो भूयो चित्त में चित्त का उसी में निवेश कर देना, यही अवधान है। ओम सर्व जगत का बीज,
ओम क्या है? सर्व जगत का बीज है। सर्वोपरि चिदात्मा श्रुति स्मृति आगम में के द्वारा प्रसिद्ध है। जो सर्वोपरि है, सर्व जगत का बीज है, चिदात्मा ही है वास्तव में, ओम और कुछ नहीं, ओम ही चिदात्मा, चिदात्मा ही ओम, यही श्रुति स्मृति और आगम के द्वारा प्रसिद्ध है। सावधान चित्त होकर तब विमर्श ही अवधान, इस ओम का विमर्श कर लेना ही उसका अवधान। अनादि से वेद, अनादि वेद में है, कोई पूछने वाली बात है? पता, अरे वो आकृति भी तो वेद में है, वेद में तो सारे अक्षर है, हमारे ऋषियों को दिखा वो, क्यों सुना थोड़ी है? मंत्र दृष्टारा बोलते हैं आप, मंत्र श्रोतारा बोलते हो क्या? रेखा का दृष्टारा बोल रहे हैं, शब्द दिखाई देता है क्या? कभी पूछा आपने? दृष्टारा बोला गया, मंत्र दिखता है उनको सामने चल रहा, पिक्चर जैसा टीवी में नहीं दिखता श्लोक, नहीं दिख रहा टीवी में आप लोगों का श्लोक दौड़ता हुआ, वैसे उनको सारा मंत्र दौड़ता हुआ दिखाई दिया, क्यों सुनाई थोड़ी दी? उनके हृदय में सारा दिख दिया, फिर उन्होंने उसको उच्चारण किया, वो भी अंतप्रेरणा विष्णु से, कोई पढ़ाने वाला चाहिए थोड़ी, वहां राणा जी क्या करा जाएगा, कोई करा दिया तो ऋषि वो मंत्र दृष्टा रहे, इसलिए कहा गया सब पहले से ही है, कोई कल्पना नहीं है यहाँ। इसी से अकाल अकाम पद की प्राप्ति होती है, इसी उसी ओम के द्वारा अकाल और अकाम पद की प्राप्ति होती है। और कई बार बता चुका हूं व्याकरण शुरू पढ़ाते वक्त भी, इस लघु में सुना भी होगा सीढ़ी में, आप जो भी शब्द हम लोग धातु और प्रत्यय लगा रहे हैं, कब बना व्याकरण? कब बना? फिर ओम में तीन अक्षर है कि हजार अक्षर, उसे क्या लेन देन? वो तो हम व्याकरण वाले बाद में बना रहे हैं, उसके रूप की स्थिति तो बाद में बना है ना, वेद शब्द पहले से सिद्ध है, उसकी व्यवस्था मात्र देने के लिए व्याकरण बना है। वह तीन अक्षर क्या, हमने बताया 256 मात्राएं हैं, 256 मात्रा है, उपनिषद बता रहे हैं, तीन ही थोड़ी है, वो तो समझाने के लिए व्याकरण वाला धातु लिया, धातु से रूप बनाया, प्रत्यय लगाया, तीन अक्षर दिखा दिया, ये तो तीन ही थोड़ी है वहां, ये तो केवल शब्द की विकृति न हो जाए, नियंत्रण में रहे, इसलिए व्याकरण एक कानून बना दिया कि शब्द बिगड़ न जाए, सारी भाषाएं क्या हो गई है, नष्ट हो गई, सब बिगड़ती जा रही है। आजकल कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा, शुद्ध मराठी बोलने वाला नहीं मिलेगा, शुद्ध कन्नड़ बोलने वाला, तमिल बोलने वाला नहीं मिलेगा, कोई भाषा शुद्ध नहीं रहा, सब कचड़ा हो गया, अंग्रेजी इस तरह घुसा दिए हैं, उर्दू घुसा दिए हैं, कोई एक व्यक्ति को बोलो तुम 5 मिनट केवल हिंदी में बोलना है, दूसरा उर्दू या अंग्रेजी प्रयोग नहीं करना, बोल नहीं सकते। आपको बोले मराठी शुद्ध बोलो, 5 मिनट बोलो, बोल नहीं सकते, सोचते रहते हैं, घबरा जाएंगे, क्या आदत हो चुकी अंग्रेजी शब्द घुसाने की, पेट में से आ गया सारी बात, क्या करें, माई ऐसी बोलती है तो पेट में भी सीख लिया ना सर, उल्टा सीधा भाषा। शुद्ध भाषा बोलना बहुत कठिन, इसलिए व्याकरण बनाया कि शुद्ध व्यक्ति संस्कृत बोल सके, गड़बड़ संस्कृत ना बोले, बीचो हो गया तो गड़बड़ हुआ था, तभी तो भाषाकार आए, अवतरित हुए, उन्होंने दोबारा उसको नियंत्रित किया। ये सारी चीजें लौकिक व्यवहार में व्यवस्थित करने के लिए मैं व्याकरण बनाना पड़ा, नहीं तो क्या है, वे तो शब्द नित्य है, उसका स्वरूप नित्य, सब नित्य, जिसने बनाया बने कुछ नहीं, उसको समझाने के लिए अलग अलग व्याख्या बाद लोगों ने कर दी अलग अलग प्रकार से, क्योंकि मोहादि जगत असत आग्रह की हानि इसी से होती है, कि मोहादि जन्य जो असत जगत है, असत आग्रह कर बैठे जगत में, उसकी हानि भी इसी ओम का चिंतन से होता है, कि मोहादि जन्य असत आग्रह जिस जगत में बनी हुई है, वह आग्रह की हानि इसी ओम से होती है, अर्थात परिमित अहम भाव का निराश करके
विश्व कारण जो शाक्त पद का निरंतर दृढ़ अभ्यास करने से उत्पन्न जो चित्त का अवधान है, समाधान है, एक अद्वितीय चिन्ह मात्र निभालन है, वही अकाल कलित शिव स्वरूप प्राप्ति का उपाय है। ये परिमित अहम भाव का निराश कर देता है, परिमित जो परिचिन अहंता है, ममता है, यह नष्ट हो जाए। और विश्व का कारण जो शाक्त पद है, शुद्ध पद दृष्टा परम दृष्टवा निवर्तते, गीता में ना परम दृष्टवा निवर्तते, उस शाक्त पद निरंतर दृढ़ अभ्यास करना पड़ता है। करते 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 करने से उत्पन्न जो चित्त का एक विशिष्ट अवस्थिति बनती है, एक समाधान होगा, समाहित चित्त हो जाएगा, एक में द्वितीय चिन्ह मात्र का उसे प्रकाशन होगा, अनुभूति में आएगी, तब यही अकाल कलित काल और कलनाओं से रहित जो शिव स्वरूप है उसकी प्राप्ति का उपाय माना गया है। ये ओम के स्वरूप का चिंतन जो संसार का बीज है, आत्मा का दूसरा नाम है, उसी का चिंतन से सब काम होना है। सा योनि सर्वदेवानां शक्तीनामप्यनेकधा अग्निशोमात्मिका योनि तथा सर्वं प्रवर्तते। कहते सा योनि सर्वदेवानां, सकल देवताओं का भी योनि है, शक्तीनामप्यनेकधा, शक्तियों का भी अनेक प्रकार से जब भाषित होने वाला वही योनि है। क्या है वो? अग्निशोमात्मिका, अग्नि और सोम रूपा है। एटा और पिंगला आत्मिका है, प्राणायाम है, प्राण अपान का जो समायुक्त पचाम तथा सर्वम प्रवृत्त है, उसी से सबकी प्रवृत्ति होती है। अंदर वापस प्राणायाम, बिना प्राणायाम का कुछ नहीं होने वाला। प्राणायाम में मूल आधार, साधना का आरंभ होता है प्राणायाम, कर्म योग वगैरह केवल आपको अंतरण शुद्ध करते रहेगा, लेकिन साधना नहीं है वो, साधना शुरू होता है प्राणायाम से। जब तक प्राणायाम नहीं होगा वास्तव उपासना भी नहीं हो सकती, मन ही नियंत्रण में नहीं, उपासना करेगा ध्यान क्या करेगा, प्राणायाम से ही मन को नियंत्रण किया जाता है, प्राण से मन नियंत्रण में आता है। इसलिए आता है उसमें कायदंड वाग्दंड है कि नहीं, तीन प्रकार का दंड वर्णन किया था, मनोदंड, काय दंड के लिए कहा उपवास करो, वाग्दंड का मौन रहो, है कि नहीं, और मनोदंड के लिए कहा प्राणायाम करो। मन का साक्षात प्राणायाम से संबंध है। इसे ने कहा कि अग्निशोम आत्मिका योनि ये कारण है, योनि मने कारण, बीज, प्राण और अपान, इड़ा और पिंगला शब्दों से भी इन्हीं को कहा जाता है, यही वास्तविक बीज है। इन्हीं का संयम जो ओम के द्वारा भी किया जाता है, ओम उच्चारण के माध्यम से भी होता है, अनेक प्रक्रिया है, उसमें से प्रक्रिया उन्होंने बता दिया। संस्कृत टीका में कहते थे कि इसी बात के बारे में, बीजावधानम बीजे परशक्ति आत्मनि विश्व कारणे, परशक्ति रूपा संपूर्ण विश्व का कारण है बीज भाई ओम, उसका अवधान मने भूय भूय चित्त निवेशनम, बारंबार उसी का चिंतन करना, चित्त को उसी में लगाए रखना, कर्तव्य विशेष निरंतर उसका ध्यान करना चाहिए, ये जोड़ लेना। तदर प्रशक्ति आत्मनि बीजे ने इस अवधानम भूय भूय चित्त निवेशनम, अते सूरज आत्मा पराशक्ति स्वरज चैतन्य वही पराशक्ति है, वही बीजम सर्वस्य जगत निमित्तम अस्ति, संपूर्ण जगत को निमित्त। तद्र विश्व संवित शक्ति आत्मनि बीजे, संपूर्ण विश्व का ज्ञान शक्ति रूपा आत्मा ही बीज है, और इसी का नाम ओम है। उसमें अवधानम मतलब तद विमर्श, उसका ही विमर्श करने का मतलब चित्त से भूय भूय निवेशन, चित्त का बारंबार उसका चिंतन करना, प्रबुद्ध योगी ना सावधानी न मनसा कार्य, जो प्रबुद्ध योगी होगा वह बिल्कुल सावधान होकर अपने मन के द्वारा अवश्य यह काम करना चाहिए, प्राणायाम पूर्वक
ओम का चिंतन करे, यही सबसे बड़ा साधना है।